के न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़बाद मैं उरेमा मुताबिक के न्यूज के साथ, और इस वक्त मैं आपको पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हैंडसम पुलिस वाले से मिलवाने वाली हूं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो है वो मोहम्मद आलम साहब खड़े हुए। आलम साहब जो है वो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा फेमस है अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने हैंडसम पल की वजह से, अपनी पुलिसगिरी की वजह से, अपने बयान की वजह से। तो आज ही हमें मिले तो हमने जल्दी से इन्हें घेर लिया, बाकी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। आलम साहब बड़े छाए हुए आप टिकटॉक पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ। आलम साहब तो क्या पाकिस्तानी दबंग है? जी जी जरूर अल्हम्दुलिल्लाह, हम लाहौर के दबंग है, पुलिस के दबंग है। क्या दबंग, सारे बाहर के कंट्री में होते हैं, इधर कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तानी दबंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, पाकिस्तान लाहौर पुलिस जिंदाबाद। मुझे पता है गुंडों से और दूसरे मुजरमों से फिर उसी दबंग स्टाइल से लड़ते हैं आप, ये उन्हें उसी तरह डील करते हैं। दरअसल हमारी पर्सनैलिटी देखे ना, गुंडे खुद पास आ जाते हैं और चलते चलते अक्सर कमेंट आते हैं हमारी सिस्टरों के भाइयों के, यार हमें गिरफ्तार कर लो, हमने फलां जुर्म किया। आपकी पर्सनैलिटी देख के। हाँ जी हाँ जी, इस लड़के से गिरफ्तार हो रहा है मैंने। गिरफ्तार कर लो, मैंने फलां काम किया, फलां की मुर्गी उठाई है, मुझे गिरफ्तार कर। तो जो मुजरिम वगैरह आप पकड़ते हो आपके साथ सेल्फी वगैरह नहीं खींचते? जी जी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं सेल्फी। भाई पहले हथकड़ी से पहले एक सेल्फी। वो कहते हैं हमारे साथ कुछ रियायत कीजिएगा, हम आपकी वीडियो लाइक करते हैं। अच्छा मुझे बताएं टिकटॉक बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपको? टिकटॉक बेसिकली हमारे एक भाई हैं, वो भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इंस्टॉल करके दिया। मैंने एक दो वीडियोस लगाई नया यूनिफॉर्म पहन के, तो वो काफ़ी माशाल्लाह वायरल हुई है। एक डाले से जंप वगैरह लगाया तो वो डाले के ऊपर से, तो वो काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई है। बहुत हसद करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो लोग आपको हसद वगैरह नहीं करते आपके बरादरी के लोग? जी जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन इज्जत और जिल्लत मेरे सोने परवरदिगार ने देनी है और अल्लाह पाक की ज़ात ने दी हुई है। ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, मैं यहाँ तक हूँ। ट्रक की लाइन पीछे से पड़ी थी। बेसिकली हमने अपना यूनिफॉर्म को मेंटेन रखा हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी के लोगों के दिलों में जो पुलिस को लेके इमेज है वो हम बेहतर बना सकें। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब पुलिस वाले जो है वो खूबसूरत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई पुलिस वाला पेट वाला हो। जी जी लोग कहते हैं कि पुलिस वाले खूबसूरत नहीं होते, इनको यूनिफॉर्म पहनने की सेंस नहीं है। अच्छा यूनिफॉर्म नहीं पहनते, बड़े पेट होते हैं, ये वो, तो इनकी सोच को चेंज करने के लिए जो भी। जिम शिम भी करते हैं? जी जिम शिम कभी कभी करता हूँ, लेकिन हमारी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पे पापा के साथ हाथ बटाता हूँ, काम शाम करता हूँ। मुझे बताइए चेन चेन आपने पहनी हुई है, बड़े बटन एक दो खोले हुए, टचन टुचन आपने रखे हुए, अमूमन पुलिस वाले इस तरह हमें दिखने को नहीं मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं अपनी ड्यूटी के फ्राइज सर अंजाम देता हूँ, जो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी हमारे घंटे की ड्यूटी होती है वो इंशाल्लाह फ्राइज अपने पूरे देता हूँ। उसके बाद अपने आप को मेंटेन रखता हूँ, ब्यूटी रखता हूँ, और जितना खूबसूरत बन सको उतना बनाता हूँ। क्या बात है, तो मुझे बताया रोड पे कभी कोई लड़की शड़की मिलती है, वो कहते हैं यार क्या भाई बड़ी पर्सनैलिटी है भाई की? जी जी मिलते हैं, काफ़ी लोग भी मिलते हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, मेरे लिए तो सब बहनें हैं मेरी, वो भी मिलते हैं। हम उनको अच्छे से उनको गाइड करते हैं, मीन्स कि उनके सलाम दुआ करते हैं, उन कोशिश करते हैं कि उनको पानी शानी पिला के भेजें। पानी शानी पिला के भेजें? जी जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये घड़ी शड़ी भी आपने पहनी हुई है, यूनिफॉर्म भी फुल आपका जो है वो इस्त्री और नया है, तो क्या मतलब ये कौन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है? जी जी मैं ये खुद ही रखता हूँ। बेसिकली अगर हम जितनी सैलरी रहते हैं तो उसमें से उसका हाफ हम अपने आप पे लगाते हैं, कि ये यूनिफॉर्म को हर मंथ न्यू स्टिच करवाना, शूज़ न्यू लेने, तो इसी तरह इंसान अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखता है। कितना खर्चा आ जाता है आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए? तकरीबन कोई 20-25 हज़ार आ जाता है एक पर मंथ का। पर मंथ का 20-25 हज़ार? हाँ ये यूनिफॉर्म का और शूज़ का है बस। जबरदस्त, बाल बड़े आपके यो-यो किस्म के। जी 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 जी, ये बाल मैंने, मेरा स्टाइल है बस थोड़ा सा। लोगों ने क्या सूट करता है आप? यूके स्टाइल है ये। यूके स्टाइल। आपको जब आप ऑफिस के लिए आ रहे होते तो कितना टाइम लगता है तैयार होने में?
तकरीबन को आधा घंटा लग जाता है तैयार होने में, यूनिफॉर्म वगैरह तैयार होने में। उसके बाद रोजाना मैंने सलून जाना होता है, अपने बाल शाल ऊपर करवाने आते हैं, स्टाइल वगैरह या स्प्रे वगैरह मंगवा के। फिर तो टिकटॉक में भी आप छाए हुए, टिकटॉक में कौन सी आईडी है आपकी, किस नाम से? टिकटॉक पे मेरी आईडी है मिस्टर संधू, मिस्टर संधू के नाम पे है। तो बेसिकली टिकटॉक के लिए इतना टाइम नहीं होता हमारे लिए, जहाँ भी बैठे हों मीन्स के ड्यूटी के बाद अगर 10-15 मिनट मिल जाते हैं, दो तीन वीडियोज़ बना के अपलोड कर देते हैं। तो लोगों का प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है, तो जो यहाँ तक कमेंट आपको क्या आते हैं कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, नाइस अच्छी पर्सनैलिटी है, पहले हम पुलिस को लाइक नहीं थे करते, आपको आपकी पर्सनैलिटी देखी है, यूनिफॉर्म देखा है, तो हमारा भी दिल करता है कि हम ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। अब जब मुश्किल लम्हात आ जाते हैं तो तब आपको ये टेंशन तो नहीं होती कि मैं अभी कोई एक्शन मारूंगा तो यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा? नहीं नहीं, एक्शन तो नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी पे फिर एक्शन हम भूल जाते हैं सब कुछ, ड्यूटी के फ्राइज सर अंजाम देने होते हैं वो हर लिहाज में। बिल्कुल ठीक जी, नहीं हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन भाई जो है बड़े हैंडसम है और इन्हें देख के वाकई जो है बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इतने हैंडसम पुलिस वाले हमारे पास मौजूद है और इतने अच्छे मतलब दिखने वाले गुड लुकिंग, इन्हें देख के ही बंदे की आधी परेशानी जो है वो दूर हो जाती है और आधी टेंशन जो है बंदे की दूर हो जाती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है इनसे बातचीत करते हुए। चल यार ये तो योजो सा है तो हमारी बात जो है वो समझ जाएगा, बजाय इसके कि जब वो हम तुली वाले जो है वो पुलिस वाले देखते हैं और उनसे हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अंकल से हम कैसे बात करें कैसे बात ना करें। तो अपने जानता जवान हैंडसम लड़के, अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी दुश्वारी हो, तो भाई के टिकटॉक पे जाके आप मैसेज भी कर सकते हैं, इसके अलावा इनसे जो है वो आप रابطہ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पाकिस्तानी दबंग जो पसंद आएगा। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।